वजीर आजम है वो घर के बाप की तरह होता है। उन्हें सिखाने के लिए खड़े थे प्रोड्यूसर्स चार, जिनकी होकर रह गई वो खुद ताबेदार। मच के हसास मामले पर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मरियम नवाज के लिए बड़ा इम्तिहान था, जिसके लिए पर्चा पहले से तैयार था। फिर नजर झुक कर उठी तो तनकीद का तरकश संभाला, पर्चे में जो था सब पढ़ डाला। बड़ी अजीब बात है। मगर अभी जुबानी इम्तिहान बाकी था, जिसके लिए कोई पर्चा ना था। अभी सहाफी पहला सवाल दाग ही रहा था कि सीनियर प्रोड्यूसर ने फौरी जगह संभाली। कोई तैयारी नहीं थी। जी हाँ, तैयारी बिल्कुल नहीं थी। मरियम के अल्फाज इन प्रोड्यूसर्स के मोहताज थे। राना सना नजर झुका के बेहिसी कहते तो मरियम वही दोहराती। ये बेहिस खान साहब हैं। मरियम नवाज ट्रैक से हटकर इदारों का जिक्र करती तो परवेज रशीद टोक कर वापस लाते। और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हैं। किस सवाल का जवाब नहीं देना वो भी सीनियर प्रोड्यूसर कान में बताते। और फिर समा के सवाल ने तो चारों प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। जवाब का अहल ना समझा तो सीनियर प्रोड्यूसर ने मरियम नवाज को डाइस से ही हटा दिया। जूनियर प्रोड्यूसर को आगे आना पड़ा। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। ये सारी सूरत हाल सवाल उठा रही है, क्या मरियम नवाज अब भी अंडर ट्रेनिंग है? आप देना चाहेंगे? आप दीजिए।